Shikha, welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. You guys already know my journey with acne. मैं discuss करती रहती हूँ जब भी मुझे acne का flare up हो जाता है, hormonal issues होते हैं, lifestyle problem हो जाती है, period की वजह से हो जाते हैं. So acne तो आते जाते रहते हैं. Honestly मुझे acne से इतना issue नहीं है because वो फिर भी काफी जल्दी heal हो जाते हैं. But उसके बाद का जो face start होता है ना, वो सबसे ज्यादा annoying होता है, जो होता है dark spots, जो acne के marks रह जाते हैं. Apart from dark spots and acne marks, हमें pigmentation के भी issues होते हैं. काफी लोगों की skin dull हो जाती है, sun damage हो जाता है. So इन सारे इश्यूज के लिए जो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है ना, वो होता है विटामिन सी. एंड व्हेनेवर यू गाइस आस्क फॉर मी फॉर एनी रिकमेंडेशन ऑफ विटामिन सी सीरम, आपको पता है मैं यही रिकमेंड करती हूँ, विच इज प्लम का विटामिन सी सीरम. मैंने लास्ट ईयर का यूट्यूब पर डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो किया था. यू गाइस नो आई लव इट. मैंने इंस्टाग्राम पर भी इतनी बार सजेस्ट किया ना, मेरा कल्ट फेवरेट है ये. अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे से वर्क करता है. एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी टू अनाउंस कि प्लम ने अपनी विटामिन सी रेंज अब एक्सटेंड कर दी है. नाउ दे हैव मोर प्रोडक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर रेंज. सबसे पहले इनका फेस वॉश, फिर इन्होंने लॉन्च किया टोनर. ये सीरम तो ऑलरेडी था मार्केट में एंड मॉइस्चराइजर एज वेल. सो हमारे पास पूरी एक रेंज आ गई है विटामिन सी की. मैं इसको काफी टाइम से टेस्ट कर रही हूँ. आज मैं पूरी रेंज का रिव्यू देने वाली हूँ, कैसे यूज करना चाहिए कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसके अंदर. प्लस मैं लास्ट में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगी, जो लोगों को डाउट होता है कि इसको एक साथ यूज करना चाहिए, सीरम यूज करें, मॉइस्चराइजर यूज करें, क्या हमें ये सूट करेगा. काफी सारी चीजों की मैं बात करने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. लोड्स ऑफ कशिका ज्ञान लोडिंग. और अगर आप नए आए हो प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को वेट कर देना. एंड नाउ लेट्स गो. स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट नंबर वन, विच इज लाइक द स्टेप नंबर वन ऑफ एनी स्किन केयर रूटीन, विच इज अ फेस वॉश. ये प्लम का मैंडरिन एंड विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश. ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है. सो ऊपर आपको पंप मिलता है बिकॉज ये फोमिंग फेस वॉश है. तो आप जैसे ही पंप को ऐसे पुश करोगे, काफी अच्छा एक रिच फोम निकल के आता है. ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लेंस कर देता है विदाउट मेकिंग इट ड्राई या फिर एकदम स्ट्रिप ऑफ आपकी स्किन फील नहीं होती. इसके अंदर जेंटल सर्फेक्टेंट है विच इज सल्फेट फ्री, तो आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता. देन इसके अंदर इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है. बाय द वे इसमें जो विटामिन सी का परसेंटेज है वो है 0.5%. मैं आपको हर एक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट है ना, मैं सब में आपको परसेंटेजेस बताऊंगी विटामिन सी के. एंड एट लास्ट मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ जिसका एक लॉजिक सेट बैठता है कि इन्होंने हर एक प्रोडक्ट में इतना परसेंटेज क्यों डाला है. सो वेट फॉर दैट. सो सबसे पहले तो इसमें 0.5% इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी हो गया. देन इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट है, लाइक इट हैज जापानीज मैंडरिन काकादू प्लम. ये दोनों भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन सी के, जो स्किन को ब्राइटन अप करते हैं, रिजुविनेट करते हैं. आपको पूरी रेंज के अंदर तीन हीरो इंग्रेडिएंट मिलेंगे ही मिलेंगे. सो दिस फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप, ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, सब इसको इजीली यूज कर सकते हैं. ऑयली स्किन का भी अच्छे से ऑयल रिमूव कर देता है, लेकिन उसको एक्सट्रीमली ड्राई नहीं बनाता. बिकॉज जब भी आपका फेस वॉश आपकी स्किन को एकदम स्ट्रिप ऑफ कर देगा ना, देन आपकी स्किन और ज्यादा डैमेज हो सकती है, बिकॉज फिर आपकी स्किन और ऑयल प्रोड्यूस करेगी. तो इसका जो वो पीएच लेवल है ना, जो वर्किंग है, वो एकदम परफेक्ट है, अच्छे स्किन को क्लेंस कर देता है और मेरी स्किन इतनी ड्राई नहीं फील होती. मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर टू, विच इज टोनर. ये प्लम का मैंडरिन एंड विटामिन सी 1.5% टोनर. तो इसके अंदर जो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड की परसेंटेज है वो 1.5% है, विच इज लाइक सूटेबल. ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं है. ये टोनर भी आपके डार्क स्पॉट्स एंड ऑल पे वर्क करेगा, बट एट द सेम टाइम ये काफी रिफ्रेशिंग है. टोनर और जो मिस्ट का सॉर्ट ऑफ काम होता है ना, वो यही होता है आपकी स्किन को कहीं ना कहीं रिफ्रेश करना. इसकी जो स्प्रे है वो एकदम मिस्ट की तरह है, वेरी वेरी फाइन स्प्रे. आई लव द स्प्रे पंप ऑफ दिस वन. एकदम मतलब आई डोंट थिंक कैमरा भी कैप्चर कर रहा होगा, बिकॉज इतना फाइन इसका स्प्रे आता है. फेस को बहुत अच्छे से कवर कर देता है. एंड वन थिंग दैट आई नोटिस अबाउट दिस टोनर, इससे मेरी आईज में भी कुछ चीज सेंसेशन फील नहीं हुई. मुझे पहले लगा कि विटामिन सी का है, इसमें स्प्रे दिया हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे मारूंगी तो मेरी आईज पे टिंगलिंग सेंसेशन होगी. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैं इसे स्प्रे करती हूँ, जो एक्सेस होता है ऑब्वियसली वैसे फिंगर से हटा देती हूँ, फॉर ऑब्वियस रीजन कि वो आपकी आईज में ना जाए. लेकिन उसके अलावा मेरे को बिल्कुल भी आईज पे कोई टिंगलिंग सेंसेशन फील नहीं हुई. बट इन्होंने यहाँ पे एक वार्निंग लिखी हुई है, नॉट एडवाइस फॉर हाइपर सेंसिटिव स्किन, विच आई लाइक इट. मतलब इन्होंने कुछ हाइड नहीं किया है, बिकॉज इसमें विटामिन सी की जो परसेंटेज है वो 1.5% है. शायद जो हाइपर सेंसिटिव स्किन होती है उनको सूट ना करे, लेकिन मेरी हाइपर सेंसिटिव स्किन नहीं है. मेरी ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, मुझे परफेक्टली सूट करता है. इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, अल्कोहल नहीं है, तो स्किन को ड्राई नहीं करता, सेंसिटिव नहीं बनाता. आई वॉन्ट टू गिव माई पर्सनल टिप कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ. सो मैं अपने फेस पे इसको अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ, फिर मैं एक्सेस को टैप 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 करती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि जो एक्सेस है वो मेरी स्किन में स्किन हो जाए. और जब मेरी स्किन हल्की सी डैम्प होती है, थोड़ा बहुत टोनर मेरी स्किन पे जब होता है, मैं फटाफट मूव ऑन करती हूँ सीरम पार्ट पे. अगर आपको नहीं पता, आपके जितने भी सीरम्स होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं जब आप उसको हल्की सी डैम्प स्किन पर लगाते हो, रादर देन कंप्लीटली ड्राई स्किन. ये ज्यादा अच्छा ग्लाइड होता है आपकी
आपकी स्किन के ऊपर. सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली द प्लम विटामिन सी सीरम. ये है 15% विटामिन सी का. मैंने इसकी पूरी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो करी हुई है तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही. मैं नीचे लिंक कर दूंगी, प्लीज आप जाके देख सकते हो, आपको पूरा समझ आ जाएगा इसका टेक्स्चर कैसा है, इसको लगाते कैसे हैं. मैं कुछ नहीं करती, हाथ पर लेती हूँ, आई जस्ट स्प्रेड इट लाइक सो और फिर उसको टैप 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 करके स्किन में पुश करती हूँ और जो एक्सेस होता है फिर उसको मसाज करना शुरू कर देती हूँ. लॉक द गुडनेस हाइड्रेशन एंड ऑल द गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरम. इसके बाद मैं क्विकली लगाती हूँ मॉइस्चराइजर. सो वी हैव प्लम का विटामिन सी मॉइस्चराइजर नाउ. आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन. मतलब जब ये पीआर बॉक्स मुझे रिसीव हुआ था ना, मैंने सबसे पहले यही निकाल के यूज किया था और मैंने अभी रिसेंटली मार्च फेवरेट वीडियो में भी इसको फीचर किया था बिकॉज आई लव्ड इट इन द मंथ ऑफ मार्च. जिनकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है ना, उसके लिए ऐसा टेक्सचर वाला मॉइस्चराइजर एकदम परफेक्ट है. टॉकिंग अबाउट द मेन इंग्रेडिएंट्स इन दिस वन, इसके अंदर 3% विटामिन सी इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड. इसके अंदर 3% है, इसके अंदर 15% है. तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आप टीनेजर हो, आप इतना हाई परसेंटेज पे नहीं स्टार्ट करना चाहते, आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो और फिर ग्रेजुअली आप विटामिन सी 15% पे आ सकते हो. अगर आप पहले से यूज कर रहे हो हाई परसेंटेज, देन यू कैन डेफिनेटली यूज बोथ. ये मॉइस्चराइजर एकदम परफेक्ट है, आपको विटामिन सी का बेनिफिट मिलता है, मैंडरिन का मिलता है, काकादू प्लम का. इसके अलावा स्किन को आपको बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है बिकॉज इसके अंदर आलमंड ऑयल है, आर्गन ऑयल है, जो स्किन को कहीं ना कहीं एकदम ड्राई सूखा सूखा फील नहीं कराता. मेरी ऑयली स्किन है, आई नो मुझे समझ में कहना चाहिए मुझे मैट अपनी स्किन चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए. और ये चीज मैंने अभी रिसेंटली एक दो साल में ही सीखी है कि कंप्लीटली अपनी स्किन को मैट भी नहीं बनाना चाहिए, फिर हमारा मेकअप क्रैक होता है. प्लस सबसे बड़ा इशू क्या होता है, जब आप एक्सट्रीमली मैट मॉइस्चराइजर लगा लेते हो ना, अब उसके ऊपर सनस्क्रीन अच्छे से नहीं लगती, वो पाइल होनी शुरू हो जाती है, वो ऐसे रब करते हो उसके पील्स निकलने शुरू हो जाते हैं. सो ऐसा जो एक नरिशिंग मॉइस्चराइजर होता है ना, ये ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है. एट द सेम टाइम इसके ऊपर सनस्क्रीन बहुत अच्छे से ग्लाइड होती है. और ये कहने वाली बात नहीं है, प्लीज डे टाइम में अगर ये रूटीन फॉलो कर रहे हो जिसके अंदर विटामिन सी है, प्लीज सनस्क्रीन लगाना, इट इज अ मस्ट मस्ट. इनफैक्ट इन सबके ऊपर जब आप सनस्क्रीन यूज करते हो ना, वो और ज्यादा अच्छी वर्क करती है. जो कॉम्बिनेशन होता है विटामिन सी एंड एसपीएफ का, वो एकदम अमेजिंग होता है. तो ये भी आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, डार्क स्पॉट्स जो भी मार्क्स होते हैं उस पर वर्क करता है. एट द सेम टाइम ये रिवर्स करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज को, जो कहीं ना कहीं हमें एजिंग दे सकता है एक टाइम के बाद. अगर आप अर्ली 25 एंड ऑल में हो, आप अभी एंटी एजिंग इतने प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहते, तो आप विटामिन सी भी यूज करोगे ना, वो इनफ है बिकॉज कहीं ना कहीं कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन को फर्म बनाता है. ओवरऑल दिस मॉइस्चराइजर इज अमेजिंग, नरिशमेंट के साथ साथ मेरी स्किन को ग्रीसी फील नहीं कराता. आई लव दिस वन. सो दैट इज हाउ आई यूज ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टुगेदर. यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट ऑन माई स्किन, कितना अच्छा ग्लो आया है मेरी स्किन के ऊपर. आई लव द होल रेंज. अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के साथ, जो मुझे पता है कॉमेंट्स में आने वाले हैं, तो मैं पहले ही आपको आंसर कर देती हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या कृषिका हम इन सबको एक साथ यूज कर सकते हैं, बिकॉज विटामिन सी बहुत ज्यादा नहीं हो गया. सो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, विटामिन सी की जो इफेक्टिवनेस होती है ना, वो सबसे अच्छी तब मानी जाती है जब विटामिन सी का परसेंटेज होता है 10-20% के बीच में. इससे कम होगा तो इतना विजिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, 20% से ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकता है, आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देगा. ये जो परसेंटेज होती है बीच की एकदम परफेक्ट होती है. सो अगर आप टोटल करोगे ना विटामिन सी की टोटल परसेंटेज, सबसे पहले है फेस वॉश 0.5%, देन वी हैव टोनर विच इज 1.5%, देन वी हैव अ सीरम 15% एंड द मॉइस्चराइजर 3%. तो अगर आप टोटल करोगे, जो इस पूरी रेंज का विटामिन सी कहीं ना परसेंटेज है, वो है 20% विटामिन सी, जो प्लम ने बहुत सोच समझ के बनाया है. इट इज FDA अप्रूव्ड एंड स्टेबल. सो आप पूरी रेंज को एक साथ भी यूज कर सकते हो, नो हार्म इन दैट. बट ऑब्वियसली अगर आप नहीं यूज करना चाहते, इट्स ओके. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फेस वॉश है, इट्स फाइन, आप इनको आगे पीछे करके या फिर और भी प्रोडक्ट के साथ पेयर अप कर सकते हो. मेरी ऑडियंस एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीरम एंड अ मॉइस्चराइजर. सिंस मैं आज दोनों फीचर कर रही हूं, तो मैं क्लियर कर देती हूं. सीरम जो होता है उसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है और कंसेंट्रेशन हाई होती है. लाइक आप देख सकते हो इसका टेक्सचर एकदम पानी की तरह है और इसमें 15% विटामिन सी है. ये ज्यादा पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन के अंदर, सिंक इन होता है. तो ये ट्रीटमेंट बेस्ड एक प्रोडक्ट होता है, तो आपका जो भी डार्क स्पॉट एक्ने मार्क्स होते हैं उसको जल्दी हील करने में हेल्प करता है बिकॉज ये ज्यादा अच्छे से बेटर जाता है आपकी स्किन के अंदर. व्हाइल मॉइस्चराइजर का एक सिंपल काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करना और वाटर लॉस जो होता है उसको प्रिवेंट करके रखना. लेकिन ये जो मॉइस्चराइजर है प्लम का, ये एक्टिव बेस्ड मॉइस्चराइजर है. इसके अंदर 3% इन्होंने इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड भी डाला हुआ है, तो ये भी आपकी स्किन पर कहीं ना कहीं एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है. सो द क्वेश्चन इज, क्या हम इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं? देखो, मैंने आपको जो परसेंटेज थ्योरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो, बट कंपल्सरी भी नहीं है. आप किसी और सीरम के साथ भी ये पेयर कर सकते हो या इस सीरम के साथ कोई और मॉइस्चराइजर पेयर कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. अगर आप मेरे से पूछोगे क्या हम खाली एक चीज यूज कर सकते हैं, देखो मैं खाली सीरम पे डिपेंड होने को नहीं बोलूंगी बिकॉज सीरम के बाद इसको लॉक करने के लिए आपको मॉइस्चराइजर चाहिए ही चाहिए. तो अगर आप सीरम लगा रहे हो तो मॉइस्चराइजर भी मेरे हिसाब से लगाना ही चाहिए. बट दैट डजंट मीन कि आप दोनों सेम ब्रांड के लगाना चाहते हो. अगर आप डिफरेंट भी लगाना चाहते हो तो चॉइस इज योर्स, बट बोथ ऑफ दीज आर डेफिनेटली कंपैटिबल विद ईच अदर. एंड दैट इज इट.
for my review on the Plum Vitamin C range. I'm personally loving them. They are definitely glow getter range. लगाते हैं बहुत बढ़िया सा glow आ जाता है skin के ऊपर. But इसके अलावा अगर आपको still कोई doubt है जो मैंने इस video में clear नहीं किया हो इन products के बारे में, वो आप definitely नीचे comment section में पूछ सकते हो. ये products आप ले सकते हो Plum के official website से. मेरा coupon code भी work करता है इनकी website पे, which is an affiliate code Kashika15. उसको लगा के आपको extra discount भी मिल जाता है. बहुत अच्छी-अच्छी deals चलती रहती हैं Plum के ऊपर, तो आपको price point के comparison में बहुत सही prices पे हमेशा मिल जाएंगे. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी डिटेल्स और लिंक्स डाल दूंगी, सो प्लीज चेक कर लेना. इसके अलावा एज आई सेड, कोई डाउट हो तो वह नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो. अगर आप इनमें से कुछ भी यूज कर चुके हो तो अपना रिव्यू भी आप नीचे डाल सकते हो. सबकी स्किन टाइप अलग होती है, सबके स्किन कंसर्न अलग होता है, तो अगर कोई और स्किन टाइप वाला भी अपना रिव्यू देना चाहता है वो नीचे डाल सकता है. आई ऑलवेज वेलकम ऑल सॉर्ट ऑफ रिव्यूज. इसके अलावा डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहां पर मैं बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज करती रहती हूँ. कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को वहां से ही मिलता रहता है. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.